दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी और राहत वाली खबर जिसके संकेत मिल रहे हैं। पिछले 34 दिन से जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही थी वो खत्म होने के अब आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में अब से कुछ देर पहले बातचीत खत्म हुई है। ये जो बातचीत है वो करीब 3 घंटे तक चली और इसमें रूस और यूक्रेन के बीच कुछ मसलों पर सहमति बन गई है। सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। दोनों के बीच तुर्की में ही ये मुलाकात संभव है। इस सब के बीच जानकारी ये निकल कर आ रही है कि रूस जो है वो पूरी तरीके से तो फिलहाल युद्ध विराम या सीज़फ़ायर के पक्ष में नहीं है, लेकिन हाँ सैन्य हमले जो है वो कम होंगे कुछ शहरों में यूक्रेन के, जिसमें राजधानी कीव है, चर्निहिव है, यहां पर रूस अपने हमले कम करेगा। इस युद्ध से जुड़ी अब तक की 10 ब्रेकिंग न्यूज। यूक्रेन रूस के राष्ट्रपति, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो सकती है तुर्की में। पुतिन और ज़ेलेंस्की मिल सकते हैं शांति समझौते के बाद। यह मुलाकात संभव है दोनों देशों के नेताओं के बीच। रूस यूक्रेन में 3 घंटे तक बातचीत हुई है। रूस ने बातचीत को सकारात्मक बताया है। कीव में सेना कम करने को भी रूस तैयार हो गया है। कीव के साथ साथ चर्निहिव में भी रूस की तरफ से सेना कम की जाएगी। तो ये वो दो शहर जहां पर रूस अपनी सेना कम करेगा, रूस के हमलों में कमी आएगी। रूस यूक्रेन में 2 हफ्ते तक अभी ये बातचीत और चलने की संभावना है। कई मुद्दों पर अभी चर्चा होना बाकी, ये यूक्रेन कह रहा है, और क्रीमिया पर अभी कोई बातचीत नहीं, ये भी खबर सामने आई है। तो इस वक्त की 10 ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें जो मैंने आपको दी। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में 3 घंटे तक दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। रूस यूक्रेन में इस बातचीत के बाद समझौते की उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, जब समझौते का मसौदा तैयार हो जाएगा तो फिर पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों नेताओं की भी मुलाकात संभव है, और मुलाकात भी यहीं तुर्की के इस्तांबुल में भी नहीं संभव है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त रूस की राजधानी मॉस्को से मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, रूस की तरफ से क्या माना जा रहा है, ये जो 3 घंटे तक बातचीत चली है सकारात्मक, इसे रूस कह रहा है, तो ऐसे में कितनी जल्दी किसी समझौते तक पहुंचने की उम्मीद? देखिए, रूस की तरफ से जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि वो एक तो तैयार है रूस कि राष्ट्रपति पुतिन और ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच में मीटिंग के लिए तैयार हो गया है कि उनके बीच में बातचीत हो सकती है। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है कि जो पीस ट्रीटी होगी वो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में होगी, उसके बाद फिर पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में मीटिंग होगी। ये जानकारी जो है वो मिल रही है। उन्होंने कहा है कि पहले जो है ट्रीटी जो होगी, पीस ट्रीटी जो होगी, वो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में होगी, यानी कि जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं और जो रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव हैं, उनके बीच में होगी। क्योंकि इन दोनों के बीच में पहले दौर की बातचीत, एक बार आपको याद होगा कि युद्ध के दौरान भी एक दौर की बातचीत दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में जो टर्की की राजधानी है इस्तांबुल, वहां पर पहले हो चुकी है। ये दूसरे दौर की मीटिंग है जो चल रही है। तो ये माना जा सकता है कि ये इसीलिए उन्होंने कहा है कि लंबी बातचीत का दौर जो है अभी चल सकता है। लेकिन ये आज की जो मीटिंग हुई है टर्की में जो चल रही है, इस्तांबुल में जो चल रही है, ये कंस्ट्रक्टिव है। इससे आगे की दिशा निकलती है शांति की। बिल्कुल, हम सीधे रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रणय जो हैं वो लगातार डिप्लोमेसी को कवर करते आए हैं, ऐसे में जो कूटनीति की भाषा है उसे बेहतर तरीके से समझते हैं। और अब जबकि दोनों देशों के बीच ये बातचीत हुई है, जिस तरीके का बयान सामने आ रहा है दोनों ही पक्षों की तरफ से, उसे किस तरीके से देखा जाए, समझा जाए, इंटरप्रेट किया जाए, प्रणय? देखिए रोमाना, सबसे पहला इंटरप्रिटेशन तो ये होना चाहिए कि सकारात्मक दिशा में बातचीत आगे बढ़ी है, यानी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। टर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कासुगलो की तरफ से जो बयान आया है इस बातचीत के बाद, उन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, टर्की इसको सपोर्ट कर रहा है, और अगले समय आने वाले दिनों में जो बातचीत होगी उसके लिए दोनों देशों के विदेश मंत्री टर्की पहुंचेंगे और अधिक पेचीदा और जो उलझे हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत होगी। साथ ही साथ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक साथ एक मेज पर लाने के लिए भी एजेंडा रखा गया है, बातचीत को चल रही है, उसके लिए भी प्रयास जारी है। यानी इस दिशा के अंदर बातचीत आगे बढ़ रही है, ये कंस्ट्रक्टिव और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके पहले बेलारूस के अंदर जो बातचीत हुई थी उसमें समाधान का रास्ता फिलहाल नहीं निकल पाया था, और उसके बाद टर्की में अब यह बातचीत हुई है। इसके पहले दिमित्री कुलेबा जो कि यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, सर्गेई लावरोव जो रूस के विदेश मंत्री हैं, उनकी एक मुलाकात हुई थी, लेकिन उसे ज्यादा हाइप नहीं दिया गया था। लेकिन
पर्दे के पीछे बातचीत की प्रक्रिया चलती रही, जिसकी परिणति ये हुई कि आज 3 घंटे की बातचीत हुई है। दोनों पक्षों ने इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कहा है, लेकिन कोई ठोस संघर्ष विराम का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। न किसी दस्तावेज पर दस्तखत हुए हैं, न कोई साइनिंग सेरेमनी हुई है, केवल बातचीत की प्रक्रिया आगे करने, एंगेज करने, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश फिलहाल दोनों देश करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जिस तरीके से 34 दिनों में जो स्थिति बनी हुई है रोमाना, जिस तरीके का मंजर हमने खुद वहां देखा यूक्रेन में, जिस तरीके की तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, उसके मद्देनजर फिलहाल ये भी एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अगर बातचीत की मेज पर मिलकर रूस और यूक्रेन आगे बातचीत बढ़ाने और इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार होते हैं, यानी विदेश मंत्री के स्तर पर। बिल्कुल, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध खत्म होने की आहट के तौर पर इसे देखा और समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।